Good morning, dear students. We are discussing second chapter of partnership, changing profit sharing ratio. बच्चों कल हमने goodwill के बारे में discuss किया था कि what is goodwill, what are the characteristics of goodwill, why does the need for valuation of goodwill in a partnership firm arise? Goodwill may be of two types, purchased goodwill and self generated goodwill. ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है. कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स द फर्म हैज टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कल दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई थी कि कई बार गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. ये बातें कल हो गई थी. अब क्वेश्चन है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना कैसे है. तो बोर्ड पर देखिए, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड. आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये आज का हमारा टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. बच्चों दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सबसे इजी मेथड है, क्वाइट इजी. फॉर्मूला देखो मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड. एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं. देखिए पिछले 4 इयर्स का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20. कुछ पिछले 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा. तो 15, 20, 18 एंड 20 7000. आपने बच्चों इसका एवरेज कर लेना है. तो एवरेज तो हो जाएगा. टोटल कितना हो गया इनका? टोटल हो गया 80,000. और अगर 80,000 को 4 से डिवाइड करें, नंबर ऑफ इयर्स 4 है, तो एवरेज कितना हो गया? 20,000. तो ये है बच्चों एवरेज प्रॉफिट. दिस इज रुपीज 20,000. ठीक है, इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, आगे लिखा है नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड. ये क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा. सपोज दिस इज 3, तो कितना हो गया? 60,000. तो हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000. तो बच्चों ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब आपके मन में डाउट होगा, यहां पर दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम एवरेज प्रॉफिट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम एवरेज प्रॉफिट क्यों लेके चल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है. बच्चों मान लीजिए आज हम अपनी फर्म को सेल करने जा रहे हैं, हमारा बिजनेस है. सपोज सेल नहीं कर रहे एक्चुअल में, मान लीजिए हम अपनी फर्म को आज सेल करने जा रहे हैं और कौन खरीद रहा है? सपोज मिस्टर ए, ये हमारे बिजनेस को खरीदने जा रहा है. कौन है ये? बायर. ठीक है बच्चों, तो जो मिस्टर ए है वो क्या जानना चाहेगा? अगर वो हमारा बिजनेस खरीद रहा है तो ही वुड लाइक टू नो फ्यूचर प्रॉफिट्स, ही वुड लाइक टू एस्टिमेट फ्यूचर प्रॉफिट्स. वो जानना चाहेगा कि उसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होएगा अगर वो हमारा रनिंग बिजनेस खरीद लेता है. तो एक्चुअली बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालने का यहां पे पर्पस है टू एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा. तो बजाय कि हम किसी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लेके चलें, इसे लेके चलें या इसे लेके चलें, बेटर क्या रहेगा, हम पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज कर लेंगे, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो देखो यहां पे पिछले 4 इयर्स का मैंने एवरेज किया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? सॉरी 20,000. एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000. मींस फ्यूचर में हमें हर साल कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है? 20,000. This is future expected profit. ठीक है बच्चों, तो हम average profit लेकर चलते हैं, so that we can know about future expected profit.
अब दूसरी बात है बच्चों, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट मैंने यहां पर क्यों लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जी ये क्या है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कुछ बुक्स में तो इसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्वेश्चन में ये गिवन होगा, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, इसमें रटने का कुछ नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 3। अब देखिए इस 3 का क्या मतलब है। मैं अभी कह रहा था कि मान लीजिए हम अपनी फर्म को आज सेल करने जा रहे हैं और हमारा बिजनेस कौन परचेज कर रहा है, कौन खरीद रहा है, मिस्टर ए, वो बायर है। उसको लग रहा है कि फ्यूचर में हर साल उसको कितना प्रॉफिट होएगा, 20,000 एवरेज, इसीलिए किया। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब है कि जब वो हमारा बिजनेस एक्वायर करेगा तो मिस्टर ए तो अभी मार्केट में आया है, उसका अपना तो कोई वजूद नहीं है, उसकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है, उसका अपना कोई नाम नहीं है। मतलब शुरू में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल शुरू के टाइम में स्टार्टिंग में वो जो भी कमाएगा हमारी रेपुटेशन की वजह से कमाएगा, हमारे नाम की वजह से कमाएगा। हमने इतने सालों से मार्केट में जो अपना सिक्का जमा रखा था, अपना नाम जमा रखा था, अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी, तो हमें लग रहा है कि आने वाले 3 साल तक 3 इयर्स तक मिस्टर ए जो भी कमाएगा वो हमारी रेपुटेशन की वजह से कमाएगा, क्योंकि उसको अपना नाम जमाने में टाइम लगेगा, उसको अपनी गुडविल बनाने में टाइम लगेगा। तो ये है बच्चों नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। एक कहावत भी है, आपको बड़े सिंपल वर्ड से बताता हूं। कहा जाता है कि भैया फादर के नाम की कमाई कब तक आएगा, पिता के नाम की कमाई कब तक आएगा, कुछ अपने दम पे करके दिखा। तो बच्चों ये वही स्टोरी है, ये वही स्टोरी है। अगर आज हम अपना बिजनेस सेल कर देते हैं तो जो बायर है आने वाले 3 साल तक या 4 साल तक वो जो भी कमाएगा हमारे नाम की वजह से कमाएगा, हमारी गुडविल की वजह से कमाएगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। दिस इज द प्रॉफिट विच इज टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। हर साल उसको 20,000 प्रॉफिट होगा और अगले 3 साल में वो कितना कमाएगा, 60,000, हमारी वजह से कमाएगा, हमारी गुडविल की वजह से। तो हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। ये है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। बुक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे मुझे पता है, बशर्ते कि आपको लॉजिक्स क्लियर हो। देखो बच्चों एवरेज प्रॉफिट समझ गए क्यों लेते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आई थिंक क्लियर होगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देखो नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इसे रीड करते हैं। लिखा है नंबर ऑफ इयर्स परचेज मींस द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स After change of ownership due to its past efforts. Number of years purchase means the number of years for which the firm is likely to earn the same amount of profits after change of ownership. और क्यों, due to its past efforts. आज अगर हम अपना बिजनेस सेल कर देते हैं तो भी जो बायर है वो 20,000 कमाता रहेगा हमारी रेपुटेशन की वजह से, और कितने साल तक कमाएगा, 3 इयर्स तक। 3 साल तक वो जो भी कमाएगा हमारी गुडविल की वजह से कमाएगा। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 60,000। तो बच्चों दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बेटा एक बात का और ध्यान रखना है, वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं पास्ट 4 इयर्स के, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपने कुछ प्रीकॉशंस का ध्यान रखना है। 2 प्रीकॉशन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, एबनॉर्मल प्रॉफिट, पहली प्रीकॉशन है एबनॉर्मल प्रॉफिट।
अगर किसी ईयर में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, सपोज दिस इज 2017-18, कहा जाता है कि जी इस साल तो हमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है। एग्जाम्पल सोचिए बच्चों, कोई ऐसा प्रॉफिट सोचिए जो नॉर्मल नहीं है, जो रूटीन की बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं कमाया, विच इज नॉट अर्न्ड बाय नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। सोचिए, आपने प्लस वन में पढ़ा होगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि अपने पास कोई पुरानी फिक्स्ड एसेट थी, पुराना फर्नीचर था, गाड़ी थी, मशीनरी थी, हमने उसको सेल कर दिया और बाय चांस जो सेलिंग प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। समझ रहे हो, जो सेलिंग प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया। अब ये कैसा प्रॉफिट है? दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कमाया। तो बच्चों आपने क्या करना है, अगर किसी साल एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो इसको इस नेट प्रॉफिट में से आपने वापिस लेस कर देना। समझ रहे हो, सपोज एबनॉर्मल प्रॉफिट है 3000 इस साल 2017-18, तो इस नेट प्रॉफिट में से आपने ये एबनॉर्मल प्रॉफिट वापिस डिडक्ट कर देना है। दिस एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। रीजन समझ रहे हो, रीजन ये है कि अभी मैंने आपको बताया था हम एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, एक्चुअल में वी वांट टू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये कोई हर साल थोड़ी होएगा, ये रूटीन का प्रॉफिट थोड़ी है, ये फ्यूचर में थोड़ी होगा। आपने एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी होंगे। तो आपने क्या करना है, इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को इसमें से वापिस लेस करना है, डिडक्ट करना है, राइट। दूसरी प्रीकॉशन है एबनॉर्मल लॉस। बच्चों अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, सोचिए एबनॉर्मल लॉस के बारे में जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। सोचिए, कुछ आ रहा है दिमाग में, लॉस बाई फायर पढ़ा है प्लस वन में आपने, लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, लॉस बाई एक्सीडेंट है, ठीक है बच्चों, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। ये सब एबनॉर्मल लॉस है जिनका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है ईयर 2018-19 के जी इस साल एबनॉर्मल लॉस हो गया 2000 का, गोडाउन में आग लग गई और लॉस कितना हो गया 2000, एबनॉर्मल लॉस है। तो क्या करेंगे बच्चों, आपने इस एबनॉर्मल लॉस को इस नेट प्रॉफिट में वापस ऐड करना है। रीजन समझ रहे हो, क्योंकि हमने तो नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट विच आर टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी साल एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो दैट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस है तो दैट शुड बी एडिड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, उसको आपने उसमें वापिस एड कर देना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आपने लेके चलने हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जिनका आपने ध्यान रखना। बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ मोहित एंड निखिल वाज रुपीज 1 लाख। थ्री पार्टनर्स आर देयर, सौरभ मोहित एंड निखिल, और उनकी टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल है रुपीज 1 लाख, ठीक हो गया, तीनों की इकट्ठी दी हुई है टोटल। आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर 2013-14 दिस इज 40,000, आगे है बच्चों 14-15 46,000 एंड 15-16 दिस इज 52,000, राइट। पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे एक सेंटेंस लिखा है कि देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 3,000 इन 2014-15,
there was an abnormal loss of rupees 3000 in 2014-15. के जी इसमें तो एक abnormal loss हो गया था. Abnormal loss बच्चों समझ गए होंगे, कोई भी loss by fire, loss by theft, और वो कितना था 3000. ठीक है, आगे हमें क्या कहा गया है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने यूज करना है. क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, लिखा है कि पिछले 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हम करेंगे. अब देखिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हमने हर एक साल का नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलना है, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर. अब यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, नेट प्रॉफिट कितना है 46,000, एबनॉर्मल लॉस कितना है 3,000. बच्चों अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है, सोचकर देखिए क्या ये एबनॉर्मल लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा, प्लस में आपने पढ़ा है. और पी एंड एल अकाउंट में किस साइड दिखाया होगा? डेबिट साइड. मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये लॉस हम कंसीडर कर चुके हैं, इस 3000 को हम डेबिट में एज एन एक्सपेंस दिखा चुके हैं. तो आपने अब क्या करना है, इस 3000 को 46 में वापस ऐड करना है. अब देखिए एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहा हूं 40,000 फॉर फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर कितना होएगा बच्चों? सेकेंड ईयर का हो गया 49,000, 46 नहीं है 49, 3000 को मैंने वापस ऐड कर दिया. समझ रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट. ये एबनॉर्मल लॉस हर साल थोड़ी होगा. और थर्ड ईयर का कितना है 52, तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड. देखिए बच्चों कितना आता है, चेक करिए, मैं भी चेक कर रहा हूं. टोटल हो गया 141/3, और अगर इसे कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू रुपीज 47,000. ये लीजिए एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 47,000. दिस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में. बच्चों आप समझ लिए होंगे कि अगर आज हम अपना बिजनेस सेल करते हैं तो जो बायर है आने वाले 2 साल तक वो जो भी कमाएगा वो हमारी गुडविल की वजह से कमाएगा, हमारी रेपुटेशन की वजह से कमाएगा. दिस इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज. डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में. बच्चों जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो. ठीक है, तो कितना हो गया 94,000, दिस इज वैल्यू ऑफ गुडविल. देखिए बच्चों ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कल बच्चों हम इसकी थोड़ी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, कल का लेक्चर भी मैंने इसी मेथड पे लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड. वैसे लगभग बातें मैंने बता दी है, तो कल थोड़ी प्रैक्टिस और करवाई जाएगी, आप भी इसको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.